सत्य की खोज करने वालों और भावातीत ध्यान के बारे में जिज्ञासुओं को नमस्कार। आज हम इस प्रथा से जुड़े मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। मेरे साथ जुड़े क्योंकि हम मिथकों के पीछे की सच्चाई पर प्रकाश डालेंगे। खंड एक, सीधे रिकॉर्ड स्थापित करना। इससे पहले कि हम मिथकों में उतरें, खुले दिमाग से उन पर विचार करना आवश्यक है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किसी भी अभ्यास की तरह कभी कभी गलत समझा जा सकता है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। खंड दो, यह एक धार्मिक प्रथा है। एक आम मिथक यह है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक धार्मिक अभ्यास है। वास्तव में TM एक धर्मनिरपेक्ष तकनीक है जिसके लिए किसी विशिष्ट विश्वास प्रणाली या धार्मिक संबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। खंड तीन, त्वरित ज्ञानोदय। तत्काल आत्मज्ञान का विचार ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से जुड़ा एक मिथक है। जबकि TM अनेक लाभ प्रदान करता है, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक विकास एक क्रमिक यात्रा है। खंड चार, विदेशी अनुष्ठान और मान्यताएं। कुछ मिथक बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में विदेशी अनुष्ठान या मान्यताएं शामिल है। हालांकि TM एक सीधी तकनीक है जो जटिल अनुष्ठानों से रहित ध्यान की यांत्रिकी पर केंद्रित है। खंड पांच, असाधारण क्षमताओं की आवश्यकता है। एक और मिथक यह है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए असाधारण क्षमताओं या कौशल की आवश्यकता होती है। वास्तव में TM को सभी पृष्ठभूमियों और क्षमताओं के लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। खंड छह, केवल योगियों या गुरुओं के लिए। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अक्सर योगियों या गुरुओं के साथ गलत तरीके से जोड़ा जाता है। सच तो यह है कि TM को कोई भी सीख सकता है और उसका अभ्यास कर सकता है, चाहे उसका पिछला अनुभव कुछ भी हो। खंड सात, एक भाग्य की लागत। एक मिथक जो फैला हुआ है वह यह है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने में बहुत खर्च होता है। हालांकि संबद्ध शुल्क है, कई संगठन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। खंड आठ, समय लेने वाला अभ्यास। यह धारणा कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए दैनिक अभ्यास के घंटों की आवश्यकता होती है एक मिथक है। TM की प्रभावशीलता इसकी सादगी और नियमित अभ्यास में निहित है जो आसानी से दैनिक दिनचर्या में फिट हो सकती है। खंड नौ, सांस्कृतिक विनियोग। सांस्कृतिक विनियोग TM से जुड़ी एक गलत धारणा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभ्यास एकल संस्कृति के बजाय चेतना की व्यापक समझ में निहित है। खंड दस, विशिष्टता और गोपनीयता। कुछ मिथक बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन विशिष्ट और गुप्त है। हालांकि ऐसे पहलू हैं जिनके लिए निर्देश की आवश्यकता होती है। TM का सार सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना है। खंड 11, तत्काल तनाव से राहत। यह मिथक कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तत्काल तनाव से राहत प्रदान करता है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जबकि TM तनाव कम करने के लिए जाना जाता है, समय के साथ लगातार अभ्यास से सबसे महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। खंड 12, मन की एक निष्क्रिय अवस्था। कुछ मिथक बताते हैं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में मन की निष्क्रिय अवस्था शामिल होती है। वास्तव में अभ्यास के लिए सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता होती है जहां मन गहरे आराम की स्थिति में आ जाता है। खंड 13, सभी समस्याओं का सार्वभौमिक समाधान। संबोधित करने योग्य एक और मिथक यह विचार है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सभी समस्याओं का एक सार्वभौमिक समाधान है। जबकि TM के लाभों की एक विस्तृत श्रृंखला है, यह सभी के लिए एक ही आकार का समाधान नहीं है। खंड 14,
तत्काल आंतरिक शांति। तत्काल आंतरिक शांति का मिथक चर्चा के लायक है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वास्तव में आंतरिक शांति पैदा करता है, लेकिन यह निरंतर अभ्यास और विकास की यात्रा है। खंड 15, प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में प्रयास के बारे में गलतफहमियां मौजूद हैं। हालांकि तकनीक सरल है, फिर भी इसके लिए एक निश्चित स्तर के निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। खंड 16, स्वास्थ्य समस्याओं का त्वरित समाधान। स्वास्थ्य समस्याओं के त्वरित समाधान के रूप में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के मिथक को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह बेहतर स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है, लेकिन इसे समग्र दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में देखा जाना सबसे अच्छा है। खंड 17, पृथक अभ्यास। एक मिथक जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है वह यह धारणा है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक अलग अभ्यास है। वास्तव में TM स्वयं और दूसरों के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा दे सकता है। खंड 18, चुनौतीपूर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। इस ग्लफहमी को दूर करने की जरूरत है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए चुनौतीपूर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होती है। जटिल मुद्राओं की आवश्यकता के बिना बैठकर आराम से TM का अभ्यास किया जाता है। खंड 19, सख्त आहार प्रतिबंध। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से जुड़े सख्त आहार प्रतिबंधों के मिथक को दूर करना आवश्यक है। TM विशिष्ट आहार परिवर्तन को अनिवार्य नहीं करता है, यह एक संतुलित जीवन शैली विकसित करने के बारे में है। खंड 20, पूर्वी परंपराओं तक सीमित। अंत में यह मिथक कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पूर्वी परंपराओं तक ही सीमित है स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। TM के सिद्धांत सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक सीमाओं से परे हैं। निष्कर्ष, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में मिथकों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, क्या हम इस अभ्यास को एक सूचित और खुले दृष्टिकोण से देख सकते हैं? समापन। यदि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से जुड़े मिथकों की खोज ने आपकी जिज्ञासा जगा दी है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। जैसे जैसे हम सत्य और समझ की तलाश जारी रखते हैं, मिथकों की हमारी खोज हमें जीवन के प्रति अधिक समृद्ध और संतुलित दृष्टिकोण की ओर ले जा सकती है। जब तक हम दोबारा न मिले, ज्ञान की हमारी खोज स्पष्टता और विवेक द्वारा निर्देशित हो।